नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपीडीएन मीडिया न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ दीपक चौधरी। आइए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ। पीएम आवास योजना में ग्राम पंचायत अमझेरा के हितग्राही ने की प्रधानमंत्री मोदी जी से लाइव बातचीत। शनिवार की पीएम आवास योजना के तहत सीधे प्रसारण कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने ग्राम पंचायत अमझेरा के हितग्राही गुलाब सिंह और उसके पुत्र नाहरू से बातचीत की और उनसे पूछा कि उन्होंने किस तरह से अपना मकान बनाया। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हलमा पद्धति से बिना मजदूरी दिए मकान बनाया है। उन्होंने हलमा पद्धति के बारे में बताया कि आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग कर काम करते हैं, इसके बदले में किसी प्रकार का पैसा नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री ने उनके इस कार्य की सराहना करते हुए उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी और उनका गृह प्रवेश करवाया। इस मौके पर धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह, अपर कलेक्टर संतोष वर्मा, जिला जनपद सदस्य कमल यादव, पंचायत अधिकारी मुकेश पंडित, ग्राम पंचायत के सचिव रघुनाथ सिंह चौहान और तहसील और जिले के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। और बढ़िया सब पेंटिंग वेंटिंग भी किया है। पेंटिंग भी सब आप ही लोगों ने किया है? हमारी बच्चियों ने किया। जो ये चित्र वित्र जो हमारे मांडना बोलते हैं, ब्याह में मांडते हैं, ये हमारी बच्चियों ने बनाया है। और जो हमारे मकान की जो लागत है वो 1,20,000 तो जो पीएम आवास योजना के मिले थे, और जो 16,000 रुपये हमारी मजदूरी मिली थी, और कुछ हमने हमारे भाइयों ने भी हमारे को सहयोग करा, और जो थोड़े बहुत हमने मजदूरी करके बचत करी थी वो भी हमने लगाए। तो आपके पिताजी को तो और आनंद होता होगा कि उनको रहते रहते एक पक्का घर मिल गया। बहुत आनंद हो गया। अभी 2 दिन से मिलने के खुशी में 2 दिन से थोड़ी तबीयत डाउन हो गई, और इतने सह नहीं पा रहे। जब हमारे देश के इतने जोरदार प्रधानमंत्री जब हमारे को संबोधित करेंगे तो मैं खुशी वो रोक नहीं पाए, इसलिए थोड़ी तबीयत उनकी डाउन हो गई। कई बार आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए। आपके शब्द नहीं होंगे लेकिन आपके आशीर्वाद हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। गुलाब सिंह जी, आपको नए घर की बहुत बहुत मेरी बधाई है, और आपके